जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। चूज कर क्या खाएगा? ये खाएगा स्किन के लिए क्या करती है तारा सुतारिया? हीरोपंती 2 के सेट्स पर क्या खास कर रही है तारा? सो हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। इस समय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस और बिजी स्टार्स में तारा सुतारिया का नाम भी शामिल है, जो इन दिनों काफी सारे प्रोजेक्ट्स के बीच घूम रही है। एक तरफ तो उनकी फिल्म तड़प आने वाले समय में ही रिलीज होने वाली है, तो उसके बाद अगले साल के लिए उनकी दो और फिल्में रिलीज होनी हैं, जिनमें हीरोपंती 2 और एक विलन रिटर्न्स शामिल हैं। अक्सर इन स्टार्स को आउटडोर शूट्स के लिए सड़ी गर्मी और धूप का सामना करना पड़ता है, ऐसे में उन्हें अपने स्किन और हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और फिर तारा तो पहले से ही इतनी फेमस हो चुकी हैं कि फिर कोई यह जानना चाहता है कि वो कैसे खुद का ध्यान रखती हैं और कैसे लंबे लंबे शूट्स के दौरान वो अपनी स्किन को संभालती हैं। आइए हम आपको इस वीडियो में इस बारे में बताते हैं। कहते हैं कि स्किन का सबसे ज्यादा ध्यान खाने के जरिए ही रखा जा सकता है, यानी कि आप क्या खाते हैं इससे आपकी स्किन पर फर्क पड़ता है। तो इस बारे में तारा कहती है कि वो आमतौर पर हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती है, लेकिन हीरोपंती 2 के टाइम कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जो बहुत लंबे लंबे शूट्स होते हैं और मुझे हैवी एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे में मैं अपनी डाइट में फ्रूट्स, एग्स, चाय के साथ टोस्ट, नारियल पानी या जूसेस जैसी चीजें शामिल करती हूँ। हालांकि मेरा लंच और डिनर डेली बेसिस पर बदलता रहता है। दोस्तों, एक्टर्स की जिंदगी में हफ्ते में एक दिन ऐसा जरूर होता है जब वो अपनी मन पसंद की चीजें खा सकते हैं, जिसे चीट डे भी कहा जाता है। उन दिनों पर तारा फिश करी, चावल और कुछ हैवी सब्जियां खाना पसंद करती हैं। हीरोपंती 2 के सेट्स पर यही रूटीन वो डेली फॉलो करती हैं और अपने आप को हेल्दी और हाइड्रेटेड रखने की पूरी कोशिश करती हैं। दोस्तों, हीरोपंती 2 एक हार्डकोर एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें टाइगर श्रॉफ के अलावा तारा भी एक्शन सीन्स करती दिखाई देंगी। हालांकि वो टाइगर की तरह इधर से उधर उछलती हुई तो नहीं दिखेंगी, लेकिन उनके सीन्स काफी दमदार होंगे, जो वुमेन एम्पावरमेंट को मैसेज भी देते नजर आएंगे। उनके ये सीन्स अभी शूट होना बाकी हैं, जो मुंबई की लोकल सड़कों पर शूट होंगे। इसके लिए तारा अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने का भी प्लान कर रही है, ताकि उनकी एनर्जी बढ़ सके और स्क्रीन पर थकी थकी सी ना लगे। अक्सर ऐसा होता है कि फैंस अपनी चहेते स्टार से इंस्पायर होकर उनके जैसा खाना पीना लेने की इच्छा रखते हैं। तो क्या आप भी तारा की इस डाइट से इंप्रेस हुए हैं? और इनमें से ऐसा क्या है जो आप भी खुद भी ट्राई कर लेने वाले हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अपना खूब ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।